अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपनी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं आलू कीमे का सालन, और इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। आलू कीमा बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो हैं, कीमा लिया है मैंने, ये मोटा मोटा मैंने बनवाया था, ज़्यादा मैंने बारीक नहीं बनवाया। इसके अलावा मैंने दो आलू काटे हैं जो जिनके साइज़ मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं रखे। बाज़ लोग छोटे छोटे भी करके बनाते हैं, बट मैंने थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना है इसीलिए मैंने इनकी शेप ऐसी रखी है। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा सा, और मैंने 2 प्याज लिए हैं इनको ही मैंने चॉप कर लिए। स्पाइसेस में मैंने लाल मिर्च ली है, धड़ा मिर्च ली है 1 चम्मच, और नमक मैंने हसब ज़रूरत ली है, गरम मसाला 1 चम्मच लिया है, सूखा धनिया 1 चम्मच लिया है, और मैंने पिंच ऑफ हल्दी की ली है। बगैर टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं अब ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये एक छोटी प्याली मैंने ऑयल की ली है। यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा साथ ही हमने प्याज को ऑयल में डाल देना है। जी यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमने साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी डाल देना, थोड़ा सा ये उछलेगा। जी तो हमारा लहसुन अदरक भी जो है उसको डाले हुए 1 मिनट हो गया। अब हमने जो गरम मसाला था वो और नमक और सूखे धनिया का जो पाउडर था वो भी डाल देना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा पानी भी डालना है ताकि मसाला, ये जो प्याज है वो थोड़ा गल जाए। जी तो अब हमने इसमें जो हमारा टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई थी वो भी हमने डाल दी हैं, और इसको अब भूनना है। इसके साथ ही जो हमारे बाकी मसाले थे जैसे धड़ा मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च, हमने वो भी डाल देनी है। और अब हमने अपने मसाले को अच्छे से भून लेना है, और इसी के साथ हमने आलू भी डाल देने हैं ताकि हमारे आलू भी जो हैं वो भी अच्छे से इसके साथ भून जाए। जी तो यहाँ पे हमने आलूओं को 2 मिनट के लिए भून लिया। अब हमने इसमें कीमा जो था हमारा वो भी हमने ऐड कर देना। जी तो अब हम इसमें कीमा भी डाल रहे हैं, और हमने कीमे को भी अच्छे से भून लेना।
जी तो यहाँ पे हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। अब हमने इसको जो इसका अपना जो है ग्रेवी उसमें इसको थोड़ा सा पकने देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे सिम आँच पे। सो फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं। जी तो अब हम चेक कर लेते हैं इसे। जैसे कि देखें अच्छी खासी तरी भी आ चुकी है और हमारा जो कीमा है वो भी भुन चुका है, पक चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे 2 मिनट तक और भुनेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए। अब थोड़ा सा हम चूल्हा जो है वो तेज़ कर देते हैं और इसे भून लेते हैं। जी हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है, यानी कि कीमा तो तकरीबन भुन गया है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। जी अब हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देना, बस पानी में थोड़ी सी उबाली आ जाए उसके बाद हम आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसे मस्ट ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट एरिया में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, इस तरह ही बहुत आसान रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।